हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। और दोस्तों, आपके वजह से ही आज मेरा 200 सब्सक्राइबर और 1500 का व्यू कंप्लीट हुआ, जिसके लिए धन्यवाद आपको। और दोस्तों, मुझे आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन आपको कि आपने कल वाले मेरे वीडियो जो मैंने ध्रुव पांडव के ऊपर बनाया था, आपने बहुत लाइक किया और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आए। एक मेरे फ्रेंड है आशुतोष उपाध्याय, उन्होंने लिखा है कि सर जी, आपने मुझे ऐसी बातें बताई जो मुझे इनके बारे में पहले कभी नहीं पता था। तो आशुतोष, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरीके से आप अपना सजेशन मेरे को देते रहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, क्रिकेट का अगर इतिहास उठा करके आप देखें तो वेस्ट इंडीज ने जितना वर्ल्ड क्रिकेट को कुछ बहुत कुछ दिया, उतना शायद ही किसी और कंट्री ने दिया होगा। दोस्तों, एक तरफ से वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के माहिर माने जाते थे, लेकिन उसके विपरीत ही वो बहुत शांत स्वभाव के और बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। उनके अंदर जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती थी वो बहुत अच्छी थी। दोस्तों, मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ इसी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, विच हैज बीन शोन बाय द वेस्ट इंडियंस। एक बार की बात है, एक बार सनी गावस्कर, आपके जो वन ऑफ द लेजेंड हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वो जब पहली बार जब वेस्ट इंडीज के टूर पे गए तो उस समय वेस्ट इंडीज के पास बहुत टॉप क्लास के बॉलर थे, मेलकम आसन बाजू को सामना किए वो, और जब वो पिच पे कभी उनकी गेंदों को वो लीप कर देते थे या उनकी गेंदों को साइड हैंड से डिफेंस भी कर देते थे तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज आ करके बोलते थे उनको, वेल डन, शाबाश, ब्रेवो। सो दोस्तों, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वेस्ट इंडीज टीम की एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी अच्छी हुआ कर दी थी। दोस्तों, इसी के आगे मैं आपके सामने द अल्टीमेट WS इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, 3 W's, ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं, 3 क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड के क्रिकेट का नक्शा बदल दिया, और इनसे ग्रेट प्लेयर आज आपको किसी भी दुनिया में आज तक से ढूंढते रह जाए क्रिकेट के फील्ड में ऐसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 60 साल पहले 3 WS जिनका नाम है सर एवल्टन निक, क्लाइव वॉलकॉट एंड सर फ्रैंक वोवेल। जी हाँ दोस्तों, सही नाम सुना, फिर एक बार आपके सामने उनका नाम ले लूं, सर एवल्टन निक, क्लाइव वॉलकॉट एंड सर फ्रैंक वोवेल की शुरुआत वेस्ट इंडीज के क्रिकेट का एक चेहरा ही बदल दिया। वेस्ट इंडीज के छोटे से द्वीप समूह बारबाडोस से आए हुए तीनों ने 1948 से 1960 के दौरान वेस्ट इंडीज क्रिकेट की विरासत अपने बल्ले, अपने गेंदबाजी और अपने फील्डिंग से करते हुए और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। फिर दोस्तों, मैं बता दूं, तीनों ने 1950 के समय में अपने एक भयानक बल्लेबाजी की तिकड़ी ऐसी बनाई कि दुनिया के गेंदबाज उनके सामने बौखला जाते थे। क्रिकेट की करियर में उनको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया और संयोग से ये तीनों क्रिकेटर का जन्म बारबाडोस के एक दूसरे से कुछ ही मील की दूरी पर हुआ था। और दोस्तों, कभी कभी एक ऐसा अफवाह आता है कि एक उनकी दाई थी, उन्होंने उन तीनों को ही एक जगह लेकर के आई थी। दोस्तों, हालांकि एक मिथ है, इसके ऊपर कोई अभी 100% सच नहीं है। जैसा कि दोस्तों, एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी में सर एवल्टन विक्स को अपनी समृद्धि श्रद्धांजलि देना जरूरी समझती है एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी, तो उसी तरीके से दोस्तों, आज हम W3 के शानदार कैरियर पे आज कुछ उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोर्टल, जी हाँ, इमोर्टल को कह रहा हूँ अमर, जो कि ये तीनों W3 आज हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच अमर है। तीनों W के बीच सर्वोच्च रैंक विक का था, जो सबसे अच्छा एक ऑलराउंडर थे। वो एक आक्रामक बल्लेबाज थे जिनके पास कई तरह के स्ट्रोक्स खेलने में महारत हासिल थी। विक्स ने अंतर्राष्ट्रीय 48 टेस्ट मैच खेले जिनमें उनकी बल्लेबाजी का औसत लगभग 59 का था। 1950 के टाइम में उन्होंने इंग्लैंड और भारत के बीच में लगातार 5 टेस्ट मैचों में 5 शतक बना करके कीर्तिमान बनाया, जो कीर्तिमान आज भी एज इट इज है, उस कीर्तिमान को किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। फिर दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं वॉलकॉट। वॉलकॉट एक चौड़े कंधे वाले, एक लंबे हिस्ट पोस्ट के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे। उनके बारे में बताया जाता है कि वो पुल और हुक शॉट के इतने माहिर थे कि वो बैकफुट से पुल और हुक शॉट मार देते थे,
और वो क्रिकेट में जब बल्लेबाजी करने आते थे तो गेंदबाज उनसे थरथरा के कांपते थे। इसी तरीके से दोस्तों 1950 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड की धरती पर वेस्टइंडीज ने पहली जीत की, जिसमें वॉलकॉट जी ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने नाबाद 168 रन बनाए और उन्होंने अपने देश के लिए 56.66 की औसत से 84 टेस्ट मैच खेले हैं। भी दोस्तों जहां वॉलकॉट ने गेंदबाजियों पर धावा बोला, विक ने उन पर दबदबा रखा, वहीं वॉवेल ने अपनी शानदार शैली, एक क्लासिकल क्रिकेट खेल करके और बहुत शांत स्वभाव से क्रिकेट खेलने के तरीके, यानी कि अगर देखा जाए तो इन तीनों डब्लू का अपना अपना गेम था जो जिनका पूरी दुनिया कायल हो चुकी थी। इसके दोस्तों इसी के बात पे एक मेरे को और बात याद हो, ये तीनों जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे लिंडवॉल एंड मिलर, उनको इन्होंने सामना किया और जब उनके बाउंसर को इतनी इजीली डक करते थे और उनके बॉलों को जब वो डिफेंस करने लगे तो ऑस्ट्रेलिया खेमा में ऐसे खलबली मच गई कि इतनी आसानी से कोई एक बाउंसर को कैसे डक कर सकता है, इतनी क्लासिकल बैकफुट डिफेंस और फ्रंट फुट डिफेंस कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसी वजह से वॉलेट ने 49.48 की औसत से 91 टेस्ट में रन बनाए और 32.72 की औसत से 69 विकेट भी ले। इसी प्रकार से इनके योगदान से उनको वेस्टइंडीज के एक सफल ऑलराउंडर बना दिया। फिर इसके बाद में जाकर वो वेस्टइंडीज के कप्तान बन जाते हैं। और जैसे हम दोस्तों आपको बता दूं कि वेस्टइंडीज एक अलग अलग द्वीप से मिलाकर के एक अपने आप एक कंट्री बना, लेकिन इस कंट्री के साथ एक अजीब ही चीज है, जब ये कंट्री किसी और गेम को रिप्रेजेंट करती है, फॉर एग्जांपल जब ये कंट्री ओलंपिक में जाती है तो इनके अलग अलग द्वीप के अलग अलग खिलाड़ी जाते हैं, जमैका के अलग, बारबाडोस के अलग, अलग टोबैगो ट्रिनिडाड के अलग, इंडिका के अलग, लेकिन जब वंस इट कम्स टू द क्रिकेट तो ये पूरी द्वीप मिलाकर के एक कंट्री बनती है, विच इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों हाँ, तो उसमें क्या था कि अलग अलग जातियां अलग अलग द्वीप थे, तो उन द्वीप के खिलाड़ियों को एक साथ करने में वॉवेल का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने जो द्वीप समूहों के लोगों के बीच का जो मतलब मनमुटाव था उसको खत्म किया, उनके बीच में जो एक प्रतिद्वंदिता थी उसको समाप्त किया और एक कंप्लीट वेस्ट इंडीज के टीम को बनाने में अपना योगदान दिया, जो कि आगे जा करके अगले 5 साल की अवधि में एक विश्व चैंपियन बना। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, वॉवेल ने तो ये काम किया ही, उसके अलावा उनको एक बहुत सज्जन क्रिकेटर के रूप में और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिनको पूरी दुनिया एक ट्रू जेंटलमैन के नाम से जानती है इन टर्म ऑफ द क्रिकेट स्पोर्ट्स एंड स्पिरिट। फिर दोस्तों बारबाडोस में विनम्र शुरुआत से महान 3 W दुनिया के लिए क्रिकेट का रोमांच और आनंद लेकर आए। गेंदबाज उन्हें गेंदबाजी करने से डरते थे और विरोधी टीमों के कप्तान को उनके लिए मैदान तैयार करना मुश्किल फील होता था, लेकिन उनको खेलते हुए देखना बहुत ही मजेदार था। शानदार प्रदर्शन से ज्यादा इन तीनों महान खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि अभी क्रिकेट खेल भावना आपसी प्रशंसा और दोस्ती के साथ भी खेला जा सकता है। जैसे आज के डेट में क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं देखते, आप देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नहीं फॉलो करते हैं और बहुत गाली गलौज, लेकिन उस समय इतना महान प्लेयर होते हुए भी इन लोगों ने अपने आपा संयम पर कंट्रोल किया और किसी को इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जिसका ये नतीजा आया कि इन तीनों ने अपनी ज़िंदगी में कोई मित्र नहीं खोया, कोई शत्रु नहीं बना और सभी का सम्मान अर्जित किया। क्या ये दुनिया क्रिकेट प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के इस विशिष्ट आकर्षण को बरकरार रख पाएगी? हम क्या आज की दुनिया से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज के जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं इनकी इस विरासत को कायम रखेंगे? अब दोस्तों मैं इन तीनों प्लेयरों के बारे में आपके सामने एक एक करके बताने जा रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को आप यूँ ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों मैं इस श्रृंखला की अगली बात आपके सामने बताने जा रहा हूँ, सर फ्रैंक वॉवेल। जी हाँ, सर फ्रैंक वॉवेल वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इतिहास में पहले अश्वेत कप्तान। वॉवेल दाएं हाथ के बल्लेबाज थे जिन्होंने 51 टेस्ट मैचों में 49.48 के अवसर से 7,141 रन मारे। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ शानदार दोहरा शतक 261 रन बनाने के एक साल बाद ही उनको 1951 में विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर के नाम से चुना गया, जिन्होंने अंततः नॉटिंगम में 10 विकेट से जीत हासिल की और वॉरेल 4 मैचों में 539 रन मारने के साथ ही श्रृंखला में
सर्वोच्च स्कोरर होते हैं और यह श्रृंखला वेस्ट इंडीज 3-1 से जीत जाती है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है 1960 और 61 के, जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन बनते हैं, जहां ऑस्ट्रेलियाई वॉरन से इतने प्रभावित होते हैं कि उनके नाम पे एक ट्रॉफी रख देते हैं। और आज भी दोस्तों जब एक ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के अंदर एक ट्रॉफी होती है उन दोनों के बीच में, उस ट्रॉफी का नाम होता है फ्रैंक वॉवेल ट्रॉफी, और जो टीम जीतती है वो फ्रैंक वॉवेल ट्रॉफी को अपने अपने घर लेकर के जाती है। फिर दोस्तों वॉरन ने 1963 में खेल को संन्यास ले लिया और एक और साल बाद उनकी सेवाओं के लिए उन्हें नाइट की उपाधि दी गई, और 1967 में उन्हें ल्यूकेमिया हुआ और पता चला कि उसी साल वो हमारे बीच नहीं रहे और एक हमने महान क्रिकेटर को खो दिया। फिर दोस्तों अगली बारी आती है सर क्लाइव वॉलकॉट, जी हाँ सर क्लाइव वॉलकॉट, 20 साल की उम्र, जी हाँ मात्र 20 साल की उम्र, उन्होंने बारबाडोस के लिए नवाब 314 रन मारे, जबकि अपने बचपन के दोस्त वॉरेन जिन्होंने 255 नॉट आउट मारा था प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 574 रन, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, 574 रन की अविजित साझेदारी की, जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में साझेदारी का एक सर्वोच्च विश्व रिकॉर्ड बना। दोस्तों उसके 2 साल बाद इंग्लैंड के सीरीज में वेस्ट इंडीज टीम के लिए उन्होंने अपना डेब्यू किया और उन्होंने 44 टेस्ट मैच खेले वेस्ट इंडीज के लिए, जिसमें 56.68 की औसत से 3798 रन मारे। इंग्लैंड के खिलाफ उसी श्रृंखला में जिसमें वॉरेन सर्वोच्च स्कोरर के रूप में समाप्त हुए, वॉलकॉट ने लॉर्ड्स में नाबाद 168 रन बना करके अपनी टीम को अंग्रेजी धरती पर पहली टेस्ट श्रृंखला जीतने में मदद की। और दोस्तों फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, 1960 में वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ उनका कुछ सैलरी का लेवल इशू होता है, बाद में वो क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं और 1973 से 1988 तक वेस्ट इंडीज के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष होते हैं, और उन्हीं का ये नतीजा था कि 1975 और 1979 के विश्व विजेता वेस्ट इंडीज टीम थी, जिसका वो एक तरह से मैनेजर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और 1997 में वो पहले गैर अश्वेत अध्यक्ष बने, और 2006 में 80 साल की उम्र में हमारे सामने एक और दूसरा डब्ल्यू का देहांत हो गया और हमने दुनिया से 2 महान डब्ल्यू को खो दिया। अब दोस्तों तीसरा बारी आती है सर वाल्टर वीक्स, व्यापक रूप से 3 बल्लेबाजों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे सर वाल्टर वीक्स। विक्स का जन्म 1925 में हुआ था, उन्होंने 1948 में वॉलकॉट के साथ ही टेस्ट मैचेस में अपना डेब्यू किया, उसी वर्ष उन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैच में सेंचुरी मारा, जी हाँ दोस्तों लगातार 5 टेस्ट मैच में शतक मारा, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इकलौते बल्लेबाज थे और उनका ये रिकॉर्ड आज भी टूट नहीं पाया है। और उसके साथ ही उन्होंने सबसे कम टेस्ट मैचों में मात्र 12 टेस्ट मैचों में 1000 रन मारा, और उसी के साथ उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन की सबसे कम टेस्ट मैच में 1000 रन मारने की बराबरी की। तो दोस्तों उचित रूप से उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई महान के साथ तुलना की गई, इसी के वजह से एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्रिकेटर और एक कमेंटेटर दिवंगत रिची बेनो ने कहा था कि वॉलकॉट की अगर तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से की जाए तो कभी ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि वीक की शैली ब्रैडमैन की बल्लेबाजी वाली शैली से बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल मिलती जुलती थी। दोस्तों तो इसी तरीके से वीक्स ने 48 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 58.61 की औसत से 4455 रन बनाए, जिसमें उनके 15 शतक मात्र 48 मैच में 15 शतक और 19 अर्धशतक, दोस्तों सोचिए यानी कि 1915 कितने होते हैं आपके, लगभग 34 दोस्तों हर मैच में, यानी कि हर एक दूसरे मैच में 8 शतक या शतक, और तो इसी तरह के उन्होंने 15 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका अवसर टेस्ट क्रिकेट में 8वां सबसे ज़्यादा, कम से कम 20 टेस्ट मैच खेलने वाले और वेस्ट इंडीज का 2रा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों बात आती है 1954 में ये तीनों बल्लेबाज ट्रिनिडाड में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में एक साथ डेब्यू किए, जी हाँ दोस्तों ये पहले बार एक ऐसा मौका था 1954 में जब तीनों प्लेयर को एक साथ प्लेइंग 11 में शामिल किया था, जिसमें तीनों का स्कोर देखिए, विक्स ने 2 अर्धशतक मारा था 206, वॉरेन ने 167 मारे थे, और उसके बाद वॉलकॉट ने 124 रन मारे थे। टेस्ट दैट द 3 W's प्ले टुगेदर, दोस्तों इसके बाद W3 द ग्रेटेस्ट W3 ने 29 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें एक साथ में खेले थे, जिसमें विक्स वॉरेन और वॉलकॉट
वो 29 टेस्ट थे जिसमें उनका एक साथ साथ खेलना हुआ, और उन मैचों में उनका 50 से अधिक का औसत मात्र एक बॉल काउट का था, भले उनकी करियर का औसत थोड़ा 50 से कम हो। हालांकि उस पीरियड में एक आपको आश्चर्य करने वाली बात और थी कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया वेस्ट इंडीज़ को। जिन 29 टेस्ट में उन तीनों प्लेयर ने साथ में खेले, वेस्ट इंडीज उसमें से 7 मैच जीता, 12 हारे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 6 मैच गवाए 7 मैचों में दोस्तों। तो वो थोड़ा सा एक अनलकी बोलेंगे, लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि ये उनके जो करियर के अचीवमेंट है उसको कम आंका जाता। अब दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, द 3 W's इन द टेस्ट दे ऑल प्ले टुगेदर, तीनों जब एक टेस्ट मैच में खेले 29 टेस्टों में, तो इनका अलग अलग परफॉर्मेंस कैसा था। तो दोस्तों फ्रैंक वॉवेल ने 29 टेस्ट मैच में 2443 रन मारते हैं 51.97 की औसत से, जिसमें इनके 7 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। फिर क्लाइव वॉलकॉट जिन्होंने 29 मैच में ही 2290 रन मारते हैं 49 की औसत से, 9 शतक 8 अर्धशतक, सुनिए दोस्तों 9 शतक 8 अर्धशतक। और इसके बाद एवल्टन वीक्स ने 29 मैचेज में ही 2314 रन मारते हैं लगभग 48 के औसत से, जिसमें उनके 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। अब दोस्तों मैं आपको इन प्लेयरों के अलग अलग स्टेटिस्टिक के बारे में बता दूं। एवल्टन विक्स का पहले आपको बता रहा हूं, जो केवल 48 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 81 इनिंग में 5 बार नॉट आउट रहते हुए 4455 रन मारते हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर है 207, एवरेज होता है लगभग 59 का, जिसमें 15 शतक 19 अर्धशतक। और दोस्तों 49 बार वो एक्चुअली कैच हुए थे, अपनी लाइफ में कभी वो स्टंप आउट नहीं हुए थे। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखा जाए तो 152 मैचेज में उन्होंने 36 शतक के साथ 12,000 रन बनाए थे। दूसरा दोस्तों आता है फ्रैंक वॉवेल। फ्रैंक वॉवेल ने 51 टेस्ट मैच में 87 इनिंग में लगभग 4,000 के आसपास रन मारते हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर होता है 261, इनका भी लगभग एवरेज 50 के आसपास होता, जिसमें इनके 9 शतक और 22 अर्धशतक हैं। और फर्स्ट क्लास में देखा जाए तो फ्रैंक वॉवेल का 208 मैचेस में 15,000 के आसपास रन मारते हैं, जिसमें 308 उनका हाईएस्ट होता है और 54 के एवरेज से 39 शतक और 80 अर्धशतक के साथ। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट द क्लाइव वॉलकॉट, जिन्होंने 44 टेस्ट मैचेस के 74 इनिंग में 3,798 रन मारते हैं, 220 का हाईएस्ट स्कोर होता है, 57 के आसपास के एवरेज, जिसमें 15 शतक और 14 अर्धशतक। और इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखा जाए तो 146 मैचेस में 11,000 के आसपास रन, जिसमें 314 रन इनका हाईएस्ट है, 56.55 के एवरेज, जिसमें 40 शतक और 54 अर्धशतक। तो दोस्तों ये थी आज वर्ल्ड के 3 W, दोस्तों ये थे वर्ल्ड के 3 W, जिनके जीवनी के बारे में मैंने आपके सामने कुछ इनके स्टेट्स को रखे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग इसको लाइक किए होंगे। इन तीनों का नाम फिर आपको एक बता दूँ, W3 द वर्ल्ड अल्टीमेट प्लेयर सर एवल्टन वीक्स, क्लाइव वॉलकॉट एंड सर फ्रैंक वॉवेल, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन दुनिया इनके अचीवमेंट को कभी कभी भी नहीं भूल सकती, और क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए एक तरह से ये लोग तीनों मिसाल बन के रहेंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ आप अपना प्यार मुझे देते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।